हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो बार के सर्वाइवल दी वॉल मोबाइल एडिशन। तो भाई लोग कैसे यार, आइए आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आ चुकी है हम ब्रूटल सर्वाइवल सीरीज़ का एक और नया एपिसोड लेके। तो आज का एपिसोड ना काफ़ी सही होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ करने वाले हैं, ठीक है। कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएंगे, काफ़ी दिन से कुछ खाया नहीं है। लेकिन सबसे पहले देखो, जैसे नंगा खड़ा हूँ तो कपड़े बना लेते हैं अभी। एड ये देखो, मैंने फाइट ली थी तो ये सब टूट गया। तो अभी एड देखा था तो भाई उसमें मिला मुझे 36 आर्मर का पैंट, ठीक है। जूते मेरे पास काफ़ी अच्छे 94 आर्मर के, और ये 112। तो अभी हम फटाक से पैंट बना लेते। सबसे पहले पैंट बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? ओनली फाइबर, वो भी भाई 3000 फाइबर, तो मजाक चल रहा है। चलो ठीक है, इतना तो पड़े। ओके, पैंट तो बनाना ही है, बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बनने में। ओके, ये तो अभी हमको इस पैंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको रिपेयर कर लेते हैं, और इसको भी रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। इन सबको रिपेयर ही मारते हैं भाई, और टाइम लगेगा नहीं तो। ओके, और टाइम तो ज़्यादा भाई रिसोर्स लगेगा, जो कि हमारे पास है नहीं अभी ज़्यादा, ठीक है। तो हमारे कपड़े वगैरह बन गए, और अभी देखो मैंने भाई ये चीज़ें बनाई हैं। इसको बोलते हैं नारकोटिक। ये क्या काम में आता है बेसिकली? ये टैंकुलाइजर, जो टैंक एरो रहता है वो बनाने के काम आता है, और वो अनलॉक होगा अपना लेवल 21 पे, और हम हैं अभी लेवल 18 पे। तो ज़्यादा दूर नहीं है, चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अभी देखो मैंने ये एक छोटा सा बेस बनाया था एरोफ्लाइन। मानते हैं ज़्यादा अच्छा ना लग रहा, बट ठीक है, बस यही बना पाए थे हम। रिसोर्स की कमी भी थी और ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं था मेरे पास। और यहाँ पे हमने ये बनाया है, तो यहाँ पे क्या लगाया हमने, देखो नार्को बेरीज लगाई है, जो कि अभी आई नहीं है। जितनी आई है उतनी निकाल लेते भाई फटाफट से, क्योंकि हमारे पास स्पॉइल मीट काफ़ी पड़ा है। देखो दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो 19 पड़ा है, ठीक है, ये निकाल लेते। और अभी देखो मेरा ना प्रिजर्विंग विन अनलॉक हो गया, तो प्रिजर्विंग विन बना लेते हैं। और उसके बाद में बना लेते हैं कुकिंग पॉट, ठीक है, क्योंकि उससे जुड़े कुछ वो भी होते हैं अपने परशूट, तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद में हमारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ रिसोर्स बनाने के काम आता है, कंज्यूमेंस बनाने के काम आता है वो, तो वो चीज़ें बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, प्रिजर्विंग वीन बना लेता हूँ मैं। तो वीन बनाने के लिए हमको चाहिए वुड और स्टोन, ये दो चीज़ तो हमारे पास नहीं, बाकी तो सारी चीज़ें हैं। स्टोन भी सिर्फ 5 है इधर, तो उससे काम नहीं होगा। और इधर भी नहीं, अभी स्टोन नहीं है मेरे पास भाई, स्टोन की कमी। देखो कैसे क्या हो गई भाई ज़िंदगी मेरी। चलो तो हम थोड़ा सा स्टोन लेके आ जाते हैं। वुड, थैज, फाइबर, चिटिन, थैज, हाइड, ये सब चीज़ें यहीं पटक देते, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ फटाक से, थोड़ा सा स्टोन ले आते हैं। और ये एसेंडेंट की भाई मिली थी मेरे को स्टोन एज, तो काफ़ी सही डैमेज इसका। तो फटाक से पहले हम ले आते हैं थोड़ा सा स्टोन, और स्टोन के साथ में फ्लिंट भी मिल ही जाएगा। ओके, क्योंकि हमको अभी कुकिंग पॉट बनाने के लिए भी तो फ्लिंट चाहिए होगा। और भाई ये इसका डैमेज ना काफ़ी सही है, काफ़ी भर भर के चीज़ें मिलती है। देखो स्टोन, देखो भाई 178 स्टोन, और 6 मेटल भी मिल गए, ठीक है। तो मेटल का अभी फ़िलहाल में तो कोई काम नहीं है, बट जैसे ही हम रिफाइंडिंग फोर्ज अनलॉक कर लेंगे ना, तभी इसका काम आने लगेगा। और वो कितने में हो रही है अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यार मैं ना भूल गया हूँ भाई, काफ़ी दिन हो गए यार इसको खेले हुए आर्क को, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो कुछ देखने का मन नहीं करता भाई। ये 20 लेवल में अनलॉक हो रही है, कुछ खेलने का मन करता नहीं, आप लोग सपोर्ट करते नहीं हो, तो सर मूड ऑफ चल रहा है अभी तो। बट यार क्या करें, करते रहते हैं कुछ। अब कुछ भाई, कुछ लोग जो रहते हैं वो करते हैं यार, सपोर्ट करते हैं। सॉरी यार, गला थोड़ा ख़राब है भाई, तो इस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे हमने कुकिंग पॉट भी बना लिया है, और
वो भी बना लिया हमने, अपना प्रिजर्विंग बीन भी बना लिया, ठीक है। और अभी हम फटाक से बना लेते हैं थोड़ा सा स्पार्क पाउडर। स्पार्क पाउडर बनाने के लिए हमको चाहिए स्टोन और फ्लिंट, ठीक है। स्पार्क पाउडर बना लेते हैं, स्पार्क पाउडर अभी काम आएगा, देखो दिखाता हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें देखो अभी हम इधर लगा रहे हैं हमारे नए वाले घर में, ठीक है। तो यहाँ लगा लेते हैं, और यहाँ लगाते हैं, ठीक है। कहाँ लगाऊँ इसको मैं, इसको यार कहाँ लगाऊँ मैं, समझ में नहीं आ रहा, यहीं लगा देता हूँ, ठीक है। और प्रिजर्विंग विन को भी यहीं लगा देता हूँ, इस साइड लगाता हूँ। और देखो प्रिजर्विंग विन किस तरह यूज़ कर वर्क करती है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को अभी। बस ठीक से लग जाए, ओके। तो इसमें फ्यूल, देखो फ्यूल ज़ीरो बता रहा था, इसमें फ्यूल क्या लगता है, इसमें फ्यूल लगता है स्पार्क पाउडर, देखो जो कि अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये 14 बन गया है। तो स्पार्क पाउडर ले लेते हैं, और भाई यही यूज़ होता है इसमें। और इसमें हम अभी क्या रखेंगे, देखो फ्यूल डाल देते हैं, काफ़ी चलेगा। और इसमें हमारा स्पॉइल मीट रख देते हैं ताकि नारकोटिक बनाने के काम आएगा। और भी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास रखने के लिए। एक तो ये फर्टिलाइज़र डोडो आएगा, और भाई ये हीलिंग ब्रू भी काम आएगी, और ये पेरेश्योर का एग भी काम आएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें इधर हमारे डोडो के अंदर भी रखी है, क्योंकि क्रिचर्स के अंदर चीज़ें रखने से स्पॉइल नहीं होती जल्दी। वो ये रख देते हैं, हमारा मीट रख देते हैं, और इधर भी स्पॉइल मीट काफ़ी बड़ा, ये भी रख देते हैं, और इधर भी स्पॉइल मीट बचा हुआ है, हाँ तो ये भी रख देते हैं। ये सारी चीज़ें जो स्पॉइल होने वाली रहती है ना, वो हम रख देंगे इसके अंदर, ताकि वो जल्दी ही स्पॉइल नहीं होगी। टोस्ट, ठीक है, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, और इसको भी रख देते हैं, इसको भी रख देते हैं, ठीक है। और पानी की कैन को रख के देखता हूँ मैं, क्योंकि भाई फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ़ जम जाता है शायद, इसमें कुछ काम नहीं आता है, जो भी हो, ठीक है, हमने रख दिए। और हाँ, अगर आप लोगों को ये देखो एक ट्रिक नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। जो नए लोग रहते हैं ना, वो भाई क्या करते हैं कि बेसिकली ये देखो हमारा जो कहाँ गया ये भी, ये कहाँ गया, क्या ढूंढ रहा हूँ, हाँ स्मॉल क्रॉप पॉट, ये जो है ना ये लेवल 9 में अनलॉक हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं भाई कि पाइप अनलॉक होने का इंतज़ार करते हैं, और पाइप अनलॉक होते हैं 17 लेवल पे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि भाई क्रॉप तो अनलॉक हो गया, लेकिन पाइप अनलॉक नहीं होंगे तब तक हम फार्मिंग कैसे करेंगे। देखो भाई मैंने भी फार्मिंग की है बिना पानी के, कि कैसे करना है। अभी देखो इस क्रॉप में वाटर लेवल है 186, ठीक है, इसमें 183, और इसमें दोनों में बराबर है। तो 183 में देखो क्या करना है कि आपको ये डालना है, अपना वाटर स्किन डालना है, और इसको फीड करा देना है। देखो कितना हो गया ना 200 पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये इस तरह से काम करता है भाई ये, और देखो काफ़ी जल्दी जल्दी ये बना रहा है। मैंने अभी आपके सामने पूरे नारको बेरी निकाल के ले गया हूँ भाई, और ये अभी फिर से आ गई है। और इधर थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में, क्योंकि ये दो मैंने पहले लगाए थे, ये दो बाद में लगाए, तो इसलिए इधर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप पानी करके क्रॉप उगा सकते हो कम लेवल पे भी, ठीक है। तो अभी हम बना लेते हैं हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, परशूट है तो परशूट अनलॉक कर लेते हैं भाई ब्रेकफास्ट का, ओके। कुछ टाइम टू मेक अ डोडो एग किम्बल, अबे भाई डोडो एग चाहिए, लेकिन संभाल के रखा है क्या डोडो एग, ओह 5 है मेरे पास, ये भी सारे निकाल के ले जाके उधर रख देता हूँ, ठीक है। अब और क्या चीज़, अबे मैं हिल नहीं सकता, दिक्कत हो गई, मेटल रख देता हूँ, इनका कोई काम नहीं है अभी मुझे, तो ये सारी चीज़ें रख देता हूँ।
और आज मेरा गला काफ़ी ख़राब है यार। विल यू नोट रॉक कैरेट एंड वन कुक्ड मीट, ठीक है। रॉक कैरेट, रॉक कैरेट तो शायद इसके अंदर होगा, हाँ काफ़ी है, तो ये रख लेते हैं रॉक कैरेट, और ये भी काफ़ी जल्दी स्पॉइल होता है, तो इसको हम रखेंगे हमारे प्रिजर्विंग बीन के अंदर। और भाई इसको तीन फाइबर भी चाहिए यार, फाइबर तो मैं लाना भूल गया, रुको ये सारी चीज़ें तो मुझे इन्वेंट्री में रखना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छा अब क्या चाहिए हमको, नीड दो मेजोबेरी इन तीन फाइबर, मेजोबेरी काफ़ी है, एक है फाइबर, फाइबर चलो अंदर से ले आते हैं, नहीं तो अभी तोड़ के ले आता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फाइबर कैसे, देखो फाइबर कैसे मिलता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। आपको जाना है इधर, कहाँ गया भाई, हाँ इस तरह की जो छोटी छोटी रहती है ना इनमें से तोड़ना है। ये देखो फाइबर मिल गया, रॉक कैरेट भी मिल गया मुझे, और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अभी हम फटाक से बना लेते हैं डोडो एग किम्बल, ठीक है। अबे यार क्या कर रहा हूँ भाई, मैं लकड़ी भी तो चाहिए मुझे। ओके तो देखो स्पार्क पाउडर से आप फ्यूल के तौर पे इसमें भी काम में ले सकते हो, कैंप फायर और इनमें जलाने के लिए भी काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डाल देते हैं, ठीक है, मेजोबेरी डाल देते हैं, रॉक कैरेट डाल देते हैं, और ये मैं सिर्फ एक डालने वाला हूँ क्योंकि भाई मुझे सिर्फ ये मिशन कंप्लीट करने के लिए बनाना है। अबे यही क्या हुआ, मैं तो सारी चीज़ें ले रहा हूँ ना, कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा। फिल वाटर स्किन, अच्छा यार फिल भी करना पड़ेगा इसको। ओके कितनी, चलो सारी की सारी कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। गो टू कुकिंग पॉट, सब इसके हिसाब से चलना पड़ता है भाई, तुम थोड़ा सा भी हलक चले तो ये नहीं मानता है। ओके कुक डोडो एक किम्बर, ये डाल दिया हमने, ठीक है दो, और ये डाल दिया हमने एक। और भाई थोड़ा सा ध्यान रखना यार, बच्चों की आवाज़ आ रही है तो मैनेज कर लेना, ठीक है। और ये भी डाल दिया, और किस चीज़ की कमी, अच्छा कुक्ड मीट की कमी रह गई। ओके तो एक कुक्ड मीट भी डाल देते हैं, फाइबर, फाइबर, ओह अब कुकिंग चालू हो गई, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको आने में, तब तक हम बची हुई चीज़ें, क्या हुआ भाई, मैं इसके ऊपर खड़ा हो गया, मेरी हेल्थ देखो वो कितनी सी हेल्थ बची अभी मेरी, दिक्कत हो जाती भाई, खाना खाना पड़ेगा। चलो मैं सारी चीज़ें इसके अंदर रखता हूँ, एग वगैरह, ताकि स्पॉइल ना हो, ठीक है। और ये सारी, इतनी सारी पूप भाई इकट्ठी करके रखी है, ये बन गया, ठीक है इसको ले लेते हैं, और बस क्या परशूट कंप्लीट, अभी ये क्या हुआ भाई, बस परशूट कंप्लीट और मुझे कुछ एक्सपी मिली या ना मिली यार। चलो जो भी हो, मैंने ध्यान नहीं दिया भाई उस चीज़ पे कि मुझे मिली भी है या नहीं मिली है, ठीक है। तो मिली होगी तो भी ठीक, नहीं मिली होगी तो क्या कर लोगे, क्या ही कर लोगे। तो शायद ये मिला मुझे, मिक्स डोडो एग वन रॉक कैरेट मीट वाटर स्किन कुकिंग कुकिंग फॉर थ्री से, अच्छा डोडो किम्बल की ये रेसिपी मिली है, क्या ही काम किए बे तू, निकल यहाँ से, तो वैसे ही बना लेंगे। तो अभी हमको देखो पूप वगैरह डाल देते हैं हमारे कुकिंग पॉट के, ये इनके अंदर, इसके अंदर भी 13 14, भाई काफ़ी जल्दी जल्दी लग रही है, काफ़ी सही लग रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी देख के गए थे भाई, इसमें देखो कितनी स्पीड से बढ़ रही है, तो बिना उसके भी काफ़ी सही चल रहा है हमारे, क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन हाउस के बिना भी काफ़ी सही काम चल रहा है। दो ये निकाल लेते हैं, और 50 इसमें भी है, ठीक है भाई, 15 इसमें भी हो गई। अब जल्दी से तू भी दे दे भाई, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें मैंने सबसे ज़्यादा लेट वो करा था।
अभी मेरे को इधर ना जो मॉडरेट पिस्टल उधर वाले बेस में है वो भी उठा के इधर ही लाना पड़ेगा। 38 तो से इतना पूरे का नहीं बनेगा। और मैं काफ़ी सारा नारकोटिक बना रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारे अभी क्रिएचर टेम करने हैं। तो कैंप फायर और ये सारी चीज़ें हैं भाई मेरे पास, ज़्यादा कुछ है नहीं अभी। देखो फिलहाल में मेरे को बनाना है वोट कहाँ की पे, हाँ ये रही। तो इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी है हमारे पास ना। चलो तो ठीक है, बोट भी बना ही लेते भाई, कितनी देर लग रही। नहीं ये ज़्यादा ले लिया। ओके फाइबर पूरा ले लेते हैं और हाइट पूरी ले लेते हैं। ठीक है ये बन गई है। तो अभी फिलहाल मैं फटाक से इसको भी बना लेते हैं भाई, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। चलो ठीक है, तो हमारे पास फालतू की चीज़ें क्या है अभी, तो ये है। नहीं इनको उधर रखना है यार, यहाँ पे नहीं रखना अभी। तो अभी इधर रखने लायक तो हमारे पास कोई चीज़ है नहीं जिससे कि हमारा वेट कम हो सके। तो ओके तो ये बन गई है हमारी, राफ्ट बन चुकी है। देखो राफ्ट को लगाना काफ़ी सिंपल है, आपको इधर इसको हॉट वाटर में ले आना है, ठीक है, और ऐसे पानी के अंदर जाना है। अभी यहाँ से निकलने की जगह है कि नहीं पहले ये देखना होगा भाई। हाँ निकल जाएंगे, तो आपको उस पर क्लिक करना है और ये लग गई सिंपल, आपकी राफ्ट लग चुकी। तो अभी मैं सारे के सारे मीट को इधर डाल देता हूँ। इसमें मैंने पूरा का पूरा मीट रख के रखा है ताकि यहीं पे स्पॉयल होता रहिए और मुझे स्पॉयल मीट की कमी ना हो। ठीक है स्टोन की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत है कि तब कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है और अभी इसको भी बंद कर देते हैं। इसमें फ्यूल सिर्फ 13 है तो मुझे फ्यूल बनाना पड़ेगा और फ्यूल बनाने के लिए मुझे फ्लिंट कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अब फिर करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो बस फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि भाई आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।